2 मिनट बात करना चाह रहे थे आपसे। क्या नाम होंगे सर आपका? फैसल। अच्छा फैसल जी, क्या लगता है असद के साथ जो हुआ, तीक अहमद का बेटा, सही हुआ उसके साथ गलत हुआ? कौन असद? अच्छा असद के बारे में नहीं जानते? क्यों नहीं जानते लोग? कौन असद? माफिया, इनामी, बदमाश, गुंडा। कौन गुंडा है? कोई गुंडा नहीं है। अरे कौन नामी, पहली बार सुन रहे हैं असद का? प्रयागराज की जनता, ऐसा क्या हो गया कि प्रयागराज की जनता असद का नाम पहली बार सुन? अतीक अहमद का नाम जानते हैं? अहमद का जानते हैं? उसका ही बेटा है। अच्छा उसका बेटा, उसको देखा नहीं ना कभी हमने। अच्छा, क्या लगता है योगी जी कह रहे थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, सही किया योगी जी ने, गलत किया? सही किया जी। उमेश पाल के हत्यारोपी हैं। अब ये तो कोर्ट पता करेगा ना, कोर्ट में चल रहा है अभी। आप हथियार है, आप कैसे कह दे रहे हैं? अभी तो कोर्ट ने नहीं दिया ना उसका। इतनी वीडियो सामने आ रही है, उसमें वीडियो आ रही, आप अभी लोड करके डाल देंगे उसको, जब कोर्ट फैसला देगी, जब आप मानेंगे ना। अच्छा हाँ, तो क्या लगता है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रही है सरकार, तो क्या भाईचारा बिगड़ रहा है क्या अगर किसी माफियाओं को मारा जा रहा है? अब इसके बारे में अखिलेश यादव बताएंगे सही। प्रयागराज की जनता क्या सोचती? प्रयागराज की जनता चाहती है कि बस सुकून से रहें। हाँ। खाने को अच्छा मिले, सस्ता ही हो जाए, पेट्रोल का रेट गिर जाए। हाँ। बस माफियाओं का अंत ना हो। अरे माफिया से हमसे क्या लेना देना है? हाँ। हमको तो क्या पेट्रोल में तेल, गाड़ी में तेल डलाना, 105 के बजाय 80 में हो जाए। जो आतंक उन लोगों ने मचा रखा था उसका अंत ना हो, आपको क्या लगता है होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जो आतंक करेगा, जो जैसा करेगा उसका वैसा होना है। अच्छा कुछ लोग समर्थन में है अतीक के, कि मुस्लिम धर्म से आता है, मजहब देखा जा रहा है उसको, क्या लगता है आप समर्थन करते हैं अतीक अहमद का या असद अहमद का? मुस्लिम से समर्थन, मुस्लिम से क्या मतलब है? मुस्लिम और हिंदू इसमें कोई बात ही ऐसी नहीं है। अब वो है कि जो हुआ है वो जैसा जो किया वैसा उसने। ओवैसी कह रहे हैं कि मजहब देख कर एनकाउंटर किया जा रहा है, तब वो ऐसी बता सकते कि सही क्या है? वो तो ऐसी बताएंगे कि क्या सही है क्या। हम तो टीवी देखते नहीं ना, न्यूज़ देखते हैं ना। अरे हम आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रमजान चल रहा है कि टीवी देखे? टीवी रमजान में सख्त मना है देखना, इस वजह से मैं नहीं देखता। रमजान बाद देखेंगे, न्यूज व्यूज अभी नहीं देख रहा हूँ। प्रयागराज के रहने वाले जी, जी। अच्छा क्या हुआ प्रयागराज में? अतीक अहमद के बेटे को ढेर कर दिया गया, एनकाउंटर मारा गया, क्या सही हुआ क्या? सर मैं इसके बारे में क्या कहता हूँ, क्यों नहीं कहे? प्रयागराज का माफिया, आपका शहर का रहने वाला, क्या लगता है सही कर दिया योगी सरकार ने? भाई गवर्नमेंट है, जो फैसला लेगी सही लेगी। अच्छा मिट्टी में ढेर करने की, मिट्टी में मिला दिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा था, मिट्टी में मिला दिया योगी ने वो योगी। अच्छा, लोग बात करने से क्यों घबरा रहे हैं, क्या वजह है? सर बिजनेसमैन लोग हम लोग। हाँ। क्या करेंगे इसे? सही गलत तो बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। गवर्नमेंट जो फैसला लेगी वो सही लेगी। हाँ। तो सही है उसके साथ, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। वो माफियाओं से कोई भाईचारा होगा क्या आपका? वो राजनीतिक लोग जाने, राजनीतिक लोग बात कर लेंगे। सर बात कर सकते हैं आपसे 2 मिनट? क्या नाम हो गया भैया? जाफर इस्लाम। अच्छा ये बताइए, अतीक के बेटे को ढेर कर दिया, एनकाउंटर में मारा गया, क्या लगता है सही हुआ उसके साथ गलत हुआ? आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि आसिफा का केस का कुछ हुआ नहीं हुआ, और जो अतीक ने जो किया, जो आतंक अतीक ने मचाया, उस पर क्या है? उस पर उसके लिए जो है कांग्रेस का अगर नेता कुछ करता है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ। अगर आम जनता कुछ करेगी तो उसके ऊपर इनकाउंटर नहीं होता है। अतीक आम जनता है क्या? नहीं नहीं, आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं, अतीक की बात नहीं कर रहा। अतीक की बात करूँ? हाँ। मैं आज अतीक की बात क्यों नहीं, मैं क्यों अतीक की बात करूँ? मैं आम जनता हूँ, प्रयागराज का रहने वाला है, प्रयागराज की वाला हूँ। मैं भी प्रेस से हूँ, ऐसा नहीं है कि आप ही खाली प्रेस से हो, मैं भी मुंबई पत्रकार, मुंबई नेत्र इंडिया के पत्रकार को तो निष्पक्ष बात करनी। नहीं तो कहे डर क्यों, डर किस बात का? हाँ। मैं डर क्यों, डरूंगा क्यों? हाँ। ये बताइए पहले, मैं डरूंगा क्यों? तो क्या हुआ, ढेर जो हुआ सही हुआ गलत हुआ? पर क्या कहेंगे आप? असद के साथ हम उनकी कोई बात नहीं करना चाहते, क्यों करेंगे हम उनकी बात? हम दूसरी बात करेंगे, आसिफा का केस का क्या हुआ? लेकिन आज जो मुद्दा है उस पर बात नहीं, वजह है। जय हिंद सर, सब मेल की बात करिए ना। क्या नाम होंगे चाचा? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद जी, अतीक के बेटे के साथ जो हुआ, अतीक अहमद को जानते हैं जी? माफिया, उसके बेटे को ढेर कर दिया गया, रुड़का दिया गया। हाँ तो जो जो जैसा करेगा उससे भलेगा। हाँ, जो जैसा करेगा वैसा सब भलेगा। हाँ, हम हो चाहे कोई भी हो। हाँ, योगी कह रहे थे मिट्टी में मिला देंगे। हाँ मिला दिया, मिला दिया मिट्टी में। भाई जो जैसा करेगा वैसा भलेगा, सीधी चीज है, हम हो या कोई भी हो, फैसला सही होता है, हिंदुस्तान का फैसला सही है। अच्छा ओवैसी कह रहे हैं कि मजहब देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है भाई, जो बुरा करेगा बुरे का बुरा है।
कोई भी भूलेगा काम बुरा होता है, चाहे जो भी धर्म हो, हिंदू मुसलमान कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आज हम कुछ करेंगे तो कल अगला भी कुछ करेगा, बुरे काम का बुरा नतीजा। अखिलेश यादव का बयान आता है कल, वो कहते हैं कि भाईचारा खराब हो रहा है, क्या लगता है भाईचारा खराब हो गया क्या अगर असद का एनकाउंटर होता है तो? नहीं ऐसा नहीं है, काहे भाईचारा खराब हो गया, पांच रुपए का है, कोई भाईचारा खराब नहीं, कुछ नहीं कुछ। डर क्यों रहे हैं लोग, बातचीत करना क्यों नहीं चाहते? नहीं, अब आदमी का दिल है, झूठ बोले भाई जो सच है उसको बोलो, काहे की डेर, काहे की डेर, बोलो जो सच है, जो सच है सीधी चीज है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, उसमें डेर की बात नहीं है। क्या नाम हो गया सर आपका? अब्दुल मुगीस। अब्दुल मुगीस, अच्छा कहाँ के रहने वाले? असदपुर। अच्छा ये बताइए, जो अभी एनकाउंटर मारा गया अतीक अहमद का बेटा, जी जी। क्या लगता है सही हुआ उसके साथ गलत हुआ? सही हुआ, जो माफिया है वो माफिया, उनके साथ जो होगा वो सही होगा। अच्छा जो माफिया उनके साथ सही हो रहा है? सही हो। लेकिन अखिलेश यादव का बयान आता है कि भाईचारे को खराब करने की ये साजिश रची जा रही है। इससे भाईचारे का कोई ताल्लुक नहीं है, भाईचारे का कोई मतलब नहीं है। क्यों के जो गलत काम करेगा उसे तो सजा मिलनी है ही, जो अच्छे काम करेगा उसका साथ दो ना, बुरे तो काम से यादव जी क्यों साथ दे रहे हैं अतीक अहमद का? अब वो उनकी नेता अपनी राजनीति है और उससे हमें क्या ताल्लुक है? कोई भाईचारा खराब नहीं हो रहा है इससे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओवैसी साहब कहते हैं कि मजहब को देखकर मारा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, मजहब में इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, किसी भी तरीके से किसी मैटर से मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो भी माफिया है, जो भी बुरे काम करेगा, किसी को दगा देगा, किसी को बुरा भला कहेगा, वो मारा जाएगा। लेकिन ओवैसी साहब जो कह रहे हैं संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, अरे नहीं, इसमें संविधान कहाँ से आ गया? संविधान की कोई जरूरत नहीं। माफियाओं को का जिस तरीके से मजहब देखा जा रहा है कि जैसे अतीक अहमद हमारे मजहब का है, तो आप क्या उसका समर्थन करेंगे? आप नहीं करेंगे, कोई भी हो हमारे मजहब का, हम भी मुसलमान हैं, ठीक है, हमारे मजहब का आदमी गलत करेगा, किसी का कत्ल करेगा, किसी की ज़मीन दाबेगा, किसी का माल मारेगा, तो हमें क्या ताल्लुक, हम क्यों दंगे उससे, उसका साथ हम नहीं दंगे। ईमान अलग चीज़ है, मजहब अलग चीज़ है, और ये चोरी चक्कारी इसका कोई मैटर थोड़ी है। हमारा मजहब तो ये कहता है जो बुरे काम करो उससे बच के रहो चार कदम, उसके साथ बुरा सलूक करो। हमारे मजहब में तो ऐसा है कि जो किसी का कत्ल करे उसका कत्ल कर दिया जाए, वो शरिया में तो बहुत कुछ है। लेकिन अतीक अहमद के लिए, अतीक अहमद के बेटे के लिए ओवैसी साहब को मजहब याद आ जाता है कि क्या वजह है, मतलब आपको खुश करने के लिए हो रहा है क्या? वो राजनेता हैं, नहीं नहीं, जनता इस चीज़ को नहीं मानती, कोई भी मुसलमान इस चीज़ को नहीं मानना, राजनीति कर रहे हैं करते रहो, हमें कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं कोई ताल्लुक, देश के मुसलमानों को कोई ताल्लुक नहीं है, राजनीति करने वालों को कोई ताल्लुक, भाईचारा याद आने लगता है बस। हम तो भैया मिलजुल के रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हम सब मिल के रहते हैं, हमें कोई ताल्लुक नहीं है, आम जनता को कोई ताल्लुक नहीं है, आम जनता को ताल्लुक नहीं है, नहीं हमारा काम अच्छा। कहते हैं कि जो अतीक अहमद नेता तो करते ही रहते हैं, कारोबार अच्छा हो रहा है, रोड अच्छे हो रहे हैं, हमारे मुरादाबाद में बहुत शानदार है, बहुत सही है, किसी तरह कुछ नहीं, और जितने भी चोरी चक्कारी हो गई थी सारी चीज़ ख़त्म हो गई। अच्छा योगी जी ने एक बयान दिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या लगता है काम सही कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं, जितने माफियाओं ने मिट्टी में मिलाना चाहिए, क्यों कि जब ही तो हमारी सरकार सही चलेगी, जब ही तो हम आपस में भाईचारा मिलजुल के रहेंगे, जो गलत होंगे उनके साथ गलत कर रहे हैं। मिलने चाहिए माफिया मिट्टी में? बिल्कुल मिलने चाहिए, सही हो रहा है काम? बिल्कुल सही। क्या नाम हो गया? नहीं नहीं मैंने नाम की छोड़ी आपने, रुक जाइए, क्या क्या हुआ एनकाउंटर जो हुआ सही हुआ क्या? सही हुआ होगा अपनी जी के, हमें इस बात से क्या मतलब है? अखिलेश जी कह रहे हैं भाईचारा खराब, अखिलेश जी अपनी जी के हमें कोई मतलब नहीं इस बात से, क्यों मतलब आम जनता क्या सोचती है? अच्छा जब माफिया मारा जाता है तो नेता कहते हैं भाईचारा खराब हो रहा है, क्या तुम्हारा मेरा भाईचारा खराब हो गया? हमें से कभी माफिया मारने से हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा, भाई भाई है हमारा, भाई भाई से मतलब हमारा उनसे क्या मतलब है? जो साले गुंडागर्दी उनसे हमारा क्या मैटर है? हमारा भाई जो अपने से मैटर है, गुंडागर्दी से हमारे नेता से हमारा कोई मतलब नहीं है, नेताओं से मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं हमारा नेता। साहब क्यों कह रहे हैं कि मजहब देख कर मारे होंगे ओबीसी? अरे उनके क्या मजहब, उनके लिए मजहब ही याद आता है हमेशा, जब भी कोई बात है तो मजहब में ले लेते बात, बस यही है, आपस में भिड़ जाते हैं फिर लोग, बस आप छोड़िए। मुसलमान है इसलिए मार दिया? ऐसा कुछ नहीं है, जो गंदा काम करेगा कोई भी मुसलमान हो, हिंदू कोई भी हो, मारा तो जाएगा वो, मैं गलत करूँ तो मैं भी मारा जाऊँगा बस। अच्छा एक सवाल ये है कि योगी जी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, मिला देना चाहिए, जब भी तो बहन बेटी सुरक्षित रहेंगी, उन्हें कहाँ से रहेंगी फिर? ऐसा गुंडागर्दी करेंगे तो कैसे किसकी बहन बेटी सुरक्षित? मैं भी, मेरी भी औलाद है ऐसी बात नहीं, जो गंदा काम करेगा वो गंदा ही पीटेगा और गंदा ही मरेगा वो,
कोई गंदा काम करेगा, गंदा गंदा मारा बिल्कुल तो सही कर रहे हैं जी। सही कर रहे हैं अपनी जी। भैया खड़े हैं, बातचीत कर ले, बात करें। क्या नाम हो गया भैया? हाँ जी भैया, चंदन सिंह है। चंदन सिंह। चंदन सिंह, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के बेटे को आज ढेर कर दिया है, क्या लगता है सही हुआ गलत हुआ? जो भी प्रशासन कर रहा है लगभग अपने हित में कर रहा है, देश के हित में कर रहा है और समाज के हित के लिए कर रहा है। समाज के हित में हो रहा है जी बिल्कुल। अखिलेश यादव को भाईचारा याद आ रहा है? अखिलेश यादव को भाईचारा याद आ रहा है तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में भाईचारा याद आता है। जो भी अपने हिसाब से जैसा चाहता है। हिंदू मुस्लिम एक का भाईचारा जो बना हुआ था वो असद के ढेर होने से खत्म हो गया। हिंदू मुस्लिम सारे साथ साथ भाईचारा सब साथ में है, हम लोग साथ में काम करते हैं, साथ में अभी भी सब कुछ चल रहा है, साथ में कोई भाईचारा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है।